अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अल्लाह का शुक्र है बाजी, ये गीत खुश आमदीद। वो यहीं छुपा हुआ है भाई, मैं जानता हूं। जान बचाने के लिए किसी कोने में छुपा बैठा है पुस्तक। पापाए आजम तुर्कों की फतह की खबर सुनने को बेचैन होंगे, जाओ बता दो उन्हें। आलम इस्लाम को एक मरकज की जरूरत है, इसलिए पहले हमें एक ताकतवर रियासत कायम करना होगी। मेरे भाई बाबा, अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं। मंगोलों ने अनातोलिया में जासूसों का जाल बिछा रखा है, हर तरफ उनके लोग मौजूद हैं। बहुत मोहतात रहना होगा अर्तुरुल भाई। हमारे ये खैमे सहरा की झुलसती गर्मी और धूल के तूफान से भी महफूज रखते हैं। लड़कियों, जरा जान लगा के खींचो और मजबूती से बांधो, और खींचो, जान लगाओ ताकि खैमा चारों तरफ से ढक जाए और बारिश और सर्दी को कहीं से भी खैमे में दाखिल होने का रास्ता ना मिल सके। जी ठीक है हायमा खानम। हायमा खानम, परेशान ना हो, अर्तुरुल भाई को सर्दी नहीं लगेगी। वो चाहे कितनी ही जंगें लड़ लें, पूरी दुनिया के दुश्मनों का सामना ही क्यों ना कर लें, लेकिन वो आपके लिए छोटे बच्चे ही रहेंगे। ठीक कहा। वो जब औताक में रहता था हमारे साथ, कभी भी मेरे बगैर नहीं सोया। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक दिन घर छोड़ के जाना होता है। मेरी नस्लों के सामने भी रहेगा तब भी। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। हम ख्याल रखेंगे एक दूसरे का हमेशा, वादा। जानती हूं मेरी बच्ची, जानती हूं। थोड़ा और कस के बांधो इसे, शाबाश। इस जगह का नामो निशान मिटा दो अफसर, मकाम इबरत बना दो इसे, ताकि दोबारा कोई ऐसी जरूरत ना करे। इस मनहूस किले को मट्टी का ढेर बना देंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं। हमजा, शहीदों के जनाजे तुम लेकर आओगे कबीले। जो हुक्म आपका सरदार। Thank you.
या अल्लाह तेरा शुक्र कि एक काम तो खत्म हुआ। हलीमा क्या हुआ तुम्हें, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? बाबा की बहुत याद आ रही है, कितनी तकलीफें उठाई उन्होंने, सलजूक खानदान की हुर्मत के लिए वो सारी जिंदगी डटे रहे और फिर अचानक सर झुका दिया। कभी कभी तो लगता है वो इस सब से थक चुके थे, वरना तख्त की ख्वाहिश तो कभी नहीं थी उन्हें। पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए गुजार दी उन्होंने और फिर यूं काश वो आज जिंदा होते और मेरी खुशी का दिन देख पाते। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, वो अच्छे इंसान थे बहुत। तुम्हारी खुशी देखकर वो बहुत खुश होते अगर आज जिंदा होते तो। अर्तुरुल भाई को भी वो बहुत पसंद करते थे। बहुत शुक्रिया आइकिस। तुम्हारी मौत तक हार नहीं मानूंगा अर्तुरुल, तुम्हारा यौम हिसाबन करीब है। अल्लाह शाहिद है, हमने हमेशा वही किया जो हुक्म रब्बी है। हमने कभी भी जुल्म का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमने जिस सरजमीन पर भी कदम रखा उसको इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। हम अल्लाह के मुजाहिद हैं, हमारा काम है अल्लाह के रास्ते पे डटे रहना। हमारा मकसद अल्लाह के दीन की तबलीग है। हमने सलीबियों का किला तबाह कर दिया है, फितनों के गढ़ को राख का ढेर बना दिया है,
वहां से जो माले गनीमत हाथ आया है वो मुझ समेत आप सब में बराबर बांट दिया जाएगा। अल्लाह हमारे शहीदों को हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता हो। आमीन। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर। खुश आमदीद सुलेमान। बहुत शुक्रिया हाइमा। अल्लाह का शुक्र है कि फतेहयाब होकर लौटना नसीब हुआ। बहुत शुक्र है। सुलेमान आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ हाइमा, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं, इतनी तकलीफ में भी जंग पर चले गए आप। आपकी फतह से कबीले का सर फख्र से बुलंद हो गया है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। तुम कभी भी घबराना मत हाइमा। खबर आई है कि तुर्क कबाइल ने मुश्तरका इजलास बुलाया है। आप दोबारा तकलीफ में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा मुझे हाइमा, काई के लिए और ओवस खानदान के लिए। अपनी पूरी उम्र काम किया है मैंने। मैं जानती हूँ साहब, मिलकर कितनी ही जंगें लड़ी हैं, कितने ही शिकार किए हैं, कितनी ही बार जर्गों में उनकी रहनुमाई की है, मगर कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत जरूरी है मेरा वहां पर जाना। हो सकता है मैं वहां से जिंदा वापस ही ना आ सकूं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सुलेमान? खुदा आपका साया सलामत रखे हम पर। मैं बहुत जी लिया हाइमा, अपने दीन के लिए, कौम के लिए जो कुछ भी कर सकता था कर चुका हूं मैं। बस अब जाने से पहले अर्तुरुल की शादी देखने की ख्वाहिश है मेरी। ऐसा ना कहें सुलेमान, अभी तो अपने पोतों के साथ खेल रहे हैं। इंशाल्लाह है मां, लेकिन जाने से पहले ये फरीजा अदा कर देना चाहता हूं मैं। जो आपका हुक्म सुलेमान, मैंने निकाह के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। फिलहाल कबीले का माहौल ऐसा है कि धूमधाम से तकरीब नहीं कर सकते हाय मां। मालूम है, आप बेफिक्र रहें सुलेमान। फतह की मुबारकबाद देने आई थी आपको। बहुत शुक्रिया। कुछ बात करना थी आपसे। हाँ करो फिर, देखता हूं इस बार कौन सी कहानी है। मैं उम्मीद से हूं। तुम क्या मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझती हो? हाँ सलजान, क्या सब कुछ खो दिया है तुमने? थोड़ी शर्मो है या बाकी है तुम में? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे झूठ और फरेब से। चली जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठू। जाओ यहां से फौरन। चली जाऊंगी खुद दुख दो, लेकिन मेरी बात 100% दुरुस्त है। जहन्नुम में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी हर बात।
जब भी तुम जंग पर जाते हो तो खुशी खुशी अलविदा कहती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन दिल बहुत डरता है तुर्कुत। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि कई सालों से जंग पर हो तुम। आज किस तुमसे मिलने के लिए बरसों इंतजार किया मैंने। काफिरों की तलवारें हो या तीर, जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है छू भी नहीं सकते मेरे जिस्म को। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें कितनी बेताबी से मेरे मुंतजर थे, मुझे इनमें अपना अक्स दिखता है। तुम्हारी मोहब्बत किसी मोड़ पर मुझे अकेला नहीं छोड़ती। अंदर आ सकती हूँ भाई? आ जाओ। आओ गुक जाओ, बैठो। मैं पूछने आई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है भाई? नहीं गोक जी, कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। जानती हूँ भाई, बाजी ने जो किया है उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, मुझे भी सदमा पहुंचा है, बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने कबीले को। तुम्हारी बहन ने मेरे अंदर का अच्छा इंसान मार दिया है कोकचे। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी उसे कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन उसने मुझे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। अभी आई थी यहां, कहने लगी मैं दोबारा उम्मीद से हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे तलाक न दूं। यानी वो अभी भी बदली नहीं है? गोकचे कभी फितरत भी बदली है? तो भाई फिर आप तलाक तो नहीं देंगे ना उन्हें? ये लफ्ज जबान तक तो कई बार आया है, लेकिन फिर ये दिल रोक लेता है। मेरे भाई को सही सलामत ले आए आप, यह एहसान मैं नहीं भूलूंगी। तुमसे वादा किया था अलीमा सुल्तान, या यजीकित को लेकर आता या वहीं मर जाता। जालिमों का किला तबाह कर दिया है, अब यकीनन तमाम फितने खत्म हो जाएंगे। सुना है मंगोल पेशकदमी कर रहे हैं। हक और सच के दुश्मन कब खत्म होते हैं अलीमा सुल्तान? दुश्मन अगर खत्म हो जाए तो जहाद कैसे होगा? खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। शादी की तैयारियां हो गई सब? हाइमा खानम के हुक्म से हमारे लिए खैमा तैयार किया गया है। लेकिन खैमा आप शादी से पहले नहीं देखेंगे, वादा करें। वादा? गुपचे तुम? ये खेल आखिर कब खत्म होगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? गुपचे क्या कहना चाहती हो तुम? किस खेल की बात कर रही हो? क्यों नादान बन रही है इतने फितने फैलाने के बाद?
क्यों अचानक इतनी दीनदार बन गई हैं आप? कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। बाजी बस करें। कुर्दोगलो की हर साजिश में आप उसके साथ थीं। अब इतनी पाक पारसा बनने का ढोंग क्यों रचा रही हैं? अब क्या चाहती हैं? तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूं मैं? ज़बान लरस कर रह जाती है मेरी। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने का सोच भी नहीं सकता कुछ। लेकिन अगर ये कोई खेल होता तो मैं इतने लोगों के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करती। बताओ मुझे कुछ जवाब तो मेरी बात का, क्या मैं इतराफ करती? हाँ, आप जैसी औरत का कुछ नहीं पता। आप जो कुछ भी करती हैं उसमें सिर्फ धोखा फरेब और फितना होता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं आपका यकीन कर लूंगी? किस तरह भरोसा कर सकती हूँ मैं आप पर? हाँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अलपरगू के जरिए अर्तुरुल को मरवाने की साजिश भी यकीनन कुर्दोगलू के साथ मिलकर आपने ही तैयार की होगी, है ना? अलपरगू ने मुझे इस तरह से खंजर मारा कि मैं अब जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। ये भी आपकी साजिश होगी बाजी। मैं शदीद नफरत करती हूँ आपसे। और इसकी वजह आपके करतूत हैं। सिर्फ नफरत के काबिल हैं आप बाजी। रुको! सुन लो आप, इतने दिन इसलिए खामोशी से खेमे में बैठी रही कि कुंदोक तू खैरियत से वापस आ जाए और बस। अल्लाह का शुक्र है कि वहां से खैर की खबर आ गई है, वो ठीक है। इसीलिए कोई जरूरत नहीं रही इस कबीले को अब मेरी। कोई काम नहीं रहा अब यहां। मुझे यही कहना था बस। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, सच है हर फितने के पीछे मेरा जहन था। अगर तुम कभी मां ना बन सकी तो इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं गोच। चाहे कुछ भी कर लें आप, अब कोई भी अमल आपका मेरे दिल की तारीकी को नहीं मिटा सकता। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे मेरी बहन। खुदा करे कि तुम्हें तुम्हारे दिल की वो खुशी मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। हमने बहुत मुश्किलात झेली हैं, क्या उनसे घबरा कर रुक गए? एक छोटे से जख्म से कैसे डर सकता हूं मैं? जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है सुलेमान शाह। बेशक आप जैसा बहादुर आदमी किसी जख्म से खौफ ज़दा नहीं हो सकता, लेकिन तकदीर अल्लाह के हाथ में है और तदबीर करना बंदे के हाथ में है। तो फिर फरमाइए क्या करना चाहिए मुझे? आपके लिए अलशाफी इस्म का वर्द करके जड़ी बूटियों से दवा तैयार कर देता हूं। इंशाअल्लाह दर्द में कमी आ जाएगी, लेकिन अगर दर्द हो तो छुपाइएगा नहीं, न मुझसे न अपनी जौजा से। किसी भी जख्म को मामूली समझ के नजरअंदाज न किया करें। मेरा मशवरा है कि गुरेज करें सफर से। आपकी औलाद का नाम
सलजुक महल से निकलकर अयूबी महल और बाबा आजम से लेकर शहनशाह फ्रेडरिक तक मशहूर हो चुका है। आपके फर्जंदान आपकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन कुर्तुगलू जैसे गद्दार हर शहर और हर कबीले में मौजूद होते हैं। इस अजीम इस्लामी इत्तेहाद की खातिर अगर मेरा तजर्बा कुछ काम आ जाए तो ऐसी हजारों मौतें कबूल है मुझे। फिर अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। शहीदों के जनाजे आ गए। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अब्दुल रहमान। हमारे शहीद आ गए हैं सरदार। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين و
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره شہدا کے سال ثواب کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارطغرل، حلیمہ، اوز قبائل کے اجتماع میں روانہ ہونے سے پہلے کل تم دونوں کا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں میں. اس سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے بابا؟
जो बात दिल में थी वो कह दिया आपने। मुझे याद है जब मंगोलों ने हमला किया था हम पर, तुमने कितनी बहादुरी दिखाई थी खातून। तुमने कहा था कि मुझे अपनी बेटी आइकिस के लिए लड़ना है, और हम दोनों में से जो भी जिंदा बचा उसे आइकिस के लिए मां भी बनना होगा और उसका बाप भी बनना होगा। तुम एक बहादुर सिपाही की तरह शहीद हो गई और आई किसकी जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई। काश कि उस जंग में मैं मारा जाता और तुम आई किसको परवान चढ़ाती। अगर ऐसा होता कि मेरी जगह तुम जिंदा होती तो सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता। खैर, हमारी आइकिस की शादी हो चुकी है। तुम नहीं थी लेकिन आइकिस थी मेरे पास, लेकिन अब वो भी अपने घर को सुधार गई और अब तन्हा रह गया हूं मैं इस खेमे में। हर रात यही दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्द तुमसे मिला दे मुझे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, बहुत ज्यादा। हम अंदर आ सकते हैं बाबा? आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। जंगजू एरिक ये तीतर शिकार करके लाया है, उसने मुझे पकाने के लिए दिए हैं और कहा है कि अपने बाबा को खिलाना, इंशाल्लाह आपके जख्म से जल्द भर जाएंगे। तुर्कुत बोले, बाबा आइकिस, मुझे अब अपने नवासे नवासी चाहिए ताकि मेरी तन्हाई खुशी में बदल जाए। हलब के अमीर अल अजीज आपके सरदार सुलेमान शाह से मुलाकात करना चाहते हैं।
सरदार, हलब के अमीर अलअजीज आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अलअजीज को इंतजार नहीं करवाना चाहिए बाबा, उन्हें अंदर लेकर आओ। तशरीफ लाइए। खुशामदीद अमीर अलअजीज। बहुत शुक्रिया। मिस्र जा रहा था, क्या पता फिर वापसी हो या ना हो। अपनी जिंदगी में आखिरी बार आपसे मिलना चाहता था सुलेमान शाह। हालांकि आपकी मुझसे काफी तकरार हुई थी हमारी गुज़िश्ता मुलाकात में। अगर मेरे लश्कर ने आप पर हमला कर दिया तो क्या कर लेंगे? किसके भरोसे आपने ये लहजा इख्तियार किया है? हमें परवरदिगार के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। उसी की आस में हमने सलेबियों के करीब जमीन कबूल की। ये बात जहन नशीन कर ले कि काई कबीले का अल्लाह पर ईमान है। अगर आपकी फौज उसकी ताकत से बड़ी है तो हम पर हमला करने का शौक पूरा कर लीजिए। एक भटके हुए सुल्तान को दुरुस्त रास्ता दिखाने के लिए सुलेमान शाह जैसे सरदार के वो अल्फाज बहुत जरूरी थे। खुश आमदीद अलअजीज अली कदर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आइए तशरीफ रखिए। शहजादी अदीले और सुल्तान अलाउद्दीन की शादी हो चुकी है। ये रिश्ता आलम इस्लाम के लिए मुबारक साबित होगा। इस शादी को मुमकिन बनाने में आपका और गुंदोक्तु भाई का जो किरदार रहा उसे सुल्तान अलाउद्दीन को बहुत तफसील से बयान किया है। मैंने अपने खत में उस किले की फतह का भी जिक्र किया है कि किस तरह उसका नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह ताला की इस कबीले पर रहमत नाजिल हो। आमीन, आमीन। मेरी आमद का मकसद दोस्ती और इतिहाद को मजीद मजबूत करना है। सलजूक और अयूबियों के इतिहाद को उम्मीद है आपकी हिमायत हासिल होगी। हक की राह में उठने वाला हर कदम और अमन के लिए की गई हर काविश को हमेशा हमारी हिमायत हासिल रहेगी अमीर अलअजीज। याद है आपको मैंने आपसे एक बार क्या बात कही थी अलअजीज? याद दिलाइए। हमारी तलवारें वापस मियान में नहीं जाएंगी और ना हमारे घोड़े मैदान जंग से डरते हैं उस वक्त तक जब तक हम इत्तेहाद तमाम मसाइब का सामना करेंगे एक दूसरे के साथ खड़े होकर। और हाँ, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया करेंगे। सुलेमान शाह, इसमें एक छोटा सा नजराना है आपकी खिदमत में। और इस संदूक में मेरे भाई अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान के निकाह की खुशी में मेरी तरफ से और अय्यूबी सल्तनत की जानिब से कुछ ताहिफ हैं। अगर आप इसे कबूल कर लेंगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की नस्ल के लिए बाइस फख्र होगा। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा अर्तुरुल भाई। आपकी नफरत दुश्मनों के लिए होनी चाहिए जबकि आपकी चाहत मेरी बाजी के लिए। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। मैंने कहा था तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ताकि उसका भी शिकस्त नहीं खाता। अफसरदा ना होना कि हमारी शादी के रोज ही वाकई हुआ। जिस दिन घर लौटेंगे वही दिन हमारी शादी का होगा। आप अपना बेहद ख्याल रखिए अर्तुरुल।